है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% विद्यार्थी 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गए, यानी हार गए, फेल हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, क्वेश्चन पूछ रहा है, जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले। तो दोस्तों मैथ से डरे नहीं, मैथ से लड़ना सीखे, मैथ से को समझना सीखे, फिर आपको मैथ कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे मैथ बनेगा। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको नंबर देता हूं 7575983138 30 पर। आप जो है व्हाट्सएप नंबर है इस पे, आप जो है व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप कोई भी सवाल को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो जितने वाले उम्मीदवार को पूछ रहा है तो हार कितना वोट से हारा, 1500 वोट से हारा है, 15,000 वोट से हारा है। एक उम्मीदवार को 35 आया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना आया होगा, एक उम्मीदवार को 35% आया, दूसरे उम्मीदवार को कितना आया, 100 में 35 आया तो दूसरे को कितना आया होगा, 70% आया होगा। तो 70 आया तो जरूर है कि जीत गया होगा, इसको कम वोट मिला, इसको ज्यादा, ये है ए उम्मीदवार, ये है बी उम्मीदवार, तो इसको 70 आया, इसको 35 आया, तो ये जीता, कितना वोट से जीता, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस आ गया 70 का 65 ये होगा, 65 मतों से परसेंट से या जीता है, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 30% आएगा, 30% बराबर 15,000, तो जीतने वाले को पूछ रहा है तो 65% बराबर कितना हो जाएगा निकालना है, तो इसे 30 से काटेंगे जीरो कट गया, 3 से काट 3 5 15, 500 वोट हुआ, 1% बराबर 500, तो 65% बराबर 25 5 6 30 32, यानी कि इतना वोट से जीता, वोट प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप सवाल को समझ, कहने का मतलब दोनों को डिफरेंस हार जीत अधिक कम की बात हो तो हमेशा घटाव की रहता है, दोनों उम्मीदवार में दो अंकों में घटाव की बात करता है, यहाँ हार जीत की बात किया, अधिक कम की सवाल में बात करें, कम बेसी की बात करें, ज्यादा की बात करें, तो हमेशा घटाव बनाने से, डिफरेंस निकालने से, दो अंकों में डिफरेंस निकालने से आंसर आने की चांस हो जाता है, तो उसी तरह से निकाला जाता है। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो तीनों का कुल वेतन 77,000 रुपया है, तो ए तथा बी के वेतन का अंतर बताएं, डिफरेंस बताएं। तो पहले आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपके तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो क्वेश्चन जिस तरह बात करें उसी तरह आपको काम करना है, तो आपका सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे बताया बोलेगा उसी तरह से मैं भी उसका काम कार्य करूंगा। क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 35% है, बी के वेतन का 35% है, अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना होगा, 35% होगा, यानी कि 35 होगा। फिर क्वेश्चन है बी के वेतन सी के वेतन का 40% है, सी यदि 100 है तो बी कितना होगा, 40% होगा। क्वेश्चन जैसे बात किया मैं वैसे काम कर रहा हूं, तो इस तरह से इसे हम डिवाइड करेंगे 7 5 35 और 20 5 100, इसे हम डिवाइड करेंगे, ये शून्य कट जाएगा, ये दो बार में कटेगा और एक पांच बार में कटेगा, यानी कि इसका रेशियो जो आएगा 7 20, इधर आ गया 2 और 5। अब इसे रेशियो कैसे निकालते, तीनों का रेशियो 7 का 7 हो गया, इस 7 का इससे आप गुना करेंगे ऐसे करके, यानी कि जेड की तरह बना दीजिए, जेड की तरह आप गुना कीजिए, 7 × 14 20 × 40 और 20 × 100। तो अब इसका जो है 2 से कट रहा है, काट दीजिए इसे, 7 आ गया, 20 आ गया और 50 आ गया। तो आप क्वेश्चन कहता ए और बी का अंतर, ए बी क्या है, ये दोनों है, तो 20 - 7 का अंतर निकालना है, 20 - 7 का अंतर डिफरेंस बराबर कितना दिया हुआ है, 20 - 7 का बटे नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 50 20 70 7, टोटल आ गया 77। तो इसमें रेशियो में निकालने के लिए आपको टोटल को नीचे रखना होगा और जो क्वेश्चन कहेगा उसे वो आप ऊपर रखिए, और गुना कितना दिया हुआ है, तीनों का कुल योग 77,000 दिया हुआ है। अब इसे काट दे, काटेंगे कितना आ जाएगा, 1,000 आ गया, इसको घटाएंगे क्या होगा, ए माइनस बी का अंतर निकाल रहे हैं, ए माइनस बी का डिफरेंस बराबर 13 आ गया, 13 से 1,000 में गुना कर दीजिए, कितना गया आंसर आपका, 13,000। तो देखिए कितना आसानी से बना है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ सवाल को आपको समझना है कि सवाल क्या कह रहा है, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड, आप मेरे जो वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा
मैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैं बनाऊंगा स्पेशल वीडियो, जब एनटीपीसी एग्जाम जो आने वाले क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को बनाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में आने में जो है जो क्वेश्चन होगा आपको कोई कठिनाई नहीं हो, डायरेक्ट आपको सवाल हिट करेगा परीक्षा में, और जिस तरह मैं बनाऊंगा सेम बनाइएगा, आप जरूर पास करिएगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% जो है किराए पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा हो तो उसकी आय कितनी है, मतलब खर्च हुआ कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 25%, 10%, 20%, तो 25, 20 कितना हो गया, 45%, 10, 55%, कहने का मतलब कमाता है 100%, विद्यार्थी जो है कमा रहा है 100% और खर्च कर रहा है कितना, 25 प्लस 20, 20% प्लस 10%, या खर्च कर देता है तो यानी कि 100% में 55% खर्च कर देता है, बचता है कि इसे कितना, इसके पास में, इसके पास में कितना बचा है, तो इसे बचा ही खर्च हो गया, 100 में इतना खर्च है तो बचा कितना, बच गया 62%, बच गया 45% बच गया। लेकिन यहां आपको कितना बचा है, 465 रुपया प्लस 75 रुपया टैक्स, यानी टोटल बचा है 465 प्लस 75 रुपया बचा है, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद 5 5 10 के 0 हो गया, 7 5 12 1 13 4 1 5 5 10 के 0 6 7 6 13 1 14 के 4 54, तो इसे काटेंगे 9 5 45 9 6 54 60, 5 से काटेंगे 12 बार में, यानी 1% बराबर 12 आ गया, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल आय निकालना है उस व्यक्ति की, टोटल आय निकाले टोटल होगा 100% निकालेंगे तो 1200 रुपया हो जाएगा। तो यह सवाल आसानी से देखे समझे क्वेश्चन जैसे बोला, तो ये सवाल नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। मैं चाहता हूँ दोस्त कि आप जो है एग्जाम में सक्सेस हो जाए, आपको सफलता मिला, मुझे खुशी मिली, मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पास कराने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं सीखने के लिए, मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ ही। आप जो है ऐसे सवाल को सीखने के लिए मैं आसानी से इस सवाल को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप आसानी से बनाएंगे, सवाल जिस तरह बात करेगा मैं उस तरह बात करूंगा, उस तरह ही लिखूंगा और सवाल का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, 25 लीटर घोल में कितना परसेंट चीनी है, 20% चीनी है। अब कहता है घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी बास पर उड़ा दिया जाता है, 25 लीटर है, 5 लीटर इसमें उड़ा दीजिए, 25 लीटर है, 5 लीटर उड़ा दीजिए, कितना बचा, 20 लीटर बचा, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है, तो नहीं जानते, एक्स परसेंट है, आप एक्स परसेंट का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक 20 से 20 कट गया और एक्स का मान क्या हो गया, 25 प्रतिशत, 5 लीटर उड़ाए तो 25% हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल था, किस तरह आसानी से बनाए, कुछ भी समझ नहीं लगा, तो थैंक यू।